फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट मिलता हूं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, गंगा जल लेकर जा रहे कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा। 6 की मौके पर मौत, 2 घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे कांवड़िए। ढाबे में बैठकर खाना खाने के दौरान बेकाबू ट्रक के ढाबे में घुसने से हुआ हादसा। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 50 साल के अधेड़ की हत्या के बाद अब फ्रिज में छुपाया गया शव, आरोपी फरार, गौतमपुरी का मामला। ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, एक घर से 4 लाशें हुई बरामद। पति पत्नी और बेटे बेटी के शव पुलिस ने किए बरामद। 8 दिन पहले किराए से रहने आया था परिवार। महाराजापुरा थाना इलाके की घटना। मध्य प्रदेश के भोपाल के शाहजहानाबाद थाने से सनसनीखेज मामला आया सामने। चोरी के मामले में पकड़ा गया आरोपी, खुद को HIV पॉजिटिव बताकर पुलिस कस्टडी से भागा। लापरवाही के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने ईदगाह हिल्स इलाके में चोरी के मामले में 3 बदमाशों को किया था गिरफ्तार। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी पुलिस। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जन्म जयंती पर बलिदान को याद करते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर पर पहली बार आयोजित की जा रही है 2 दिवसीय यूथ महापंचायत। भोपाल के रविंद्र भवन में सुबह 11:30 बजे से हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और UNDP के पूर्व ED एरिक शॉलहेम होंगे शामिल। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला बना देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल वाला जिला। केंद्रीय जल मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर दी जानकारी। CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश हुआ गौरवान्वित। राजस्थान के भरतपुर डी क्षेत्र में आदि बद्री धाम और कनकांचल में अवैध खनन के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान खुद को आग लगाने वाले बाबा विजय दास ने दिल्ली में उपचार के दौरान थोड़ा दम। 3 दिन पहले 20 जुलाई को लगाई थी खुद को आग। 80% से अधिक झुलसने पर कराया गया था अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के भिंड में दबंगों की दबंगई और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हुई गर्भवती की मौत। लोडिंग वाहन में विकलांग पति पत्नी को लेकर पहुंचा था अस्पताल। इलाज के अभाव में पत्नी ने तोड़ा दम। पति का आरोप, डिलीवरी रूम में मौजूद स्टाफ ने इलाज की बजाय बिठाया कुर्सी पर, अधिक ब्लीडिंग के कारण तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश में पवित्र सावन महीने में कांवड़ियों की सुविधा के लिए 4 दिन बंद रहेगा लखनऊ अयोध्या हाईवे। भारी वाहनों पर पूर्णतया प्रतिबंध। राजस्थान के भरतपुर के ब्रज इलाके में अवैध खनन पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक ने दी आत्मदाह की चेतावनी। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खनन मंत्री को बर्खास्त करने की अपील। भरतपुर पर्वतों में खनन के खिलाफ 551 दिन से धरना दे रहे साधु ने किया आत्मदाह। मध्य प्रदेश के शहडोल में चोरी के शक में दी गई तालिबानी सजा। सीमेंट से लदा ट्रक चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों की मदद से ट्रक मालिक के कर्मचारियों ने हाथ पैर बांध कर बीच सड़क में बेरहमी से पीटा, मारपीट कर। सोशल मीडिया में वीडियो भी हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश में नमाज विवाद में आजम खान की एंट्री, कहा कहीं भी पढ़ी जा सकती है नमाज। फर्क इससे पड़ता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या छोटा। गौरतलब हो कि लखनऊ के नवनिर्मित लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ था वायरल। मामले ने पकड़ा था तूल। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, CM धामी ने शेयर किया वीडियो। इसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा घाट पर कांवड़ियों का स्वागत करते हुए धोए थे पैर। SDM कार्यालय में अब नहीं, जिला अदालत में बनेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। जबलपुर CJM आलोक प्रताप सिंह ने जारी किया आदेश। 26 घंटों की पूछताछ के बाद ED ने पार्थ चटर्जी को किया गिरफ्तार। हिरासत में अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले थे 21 करोड़। ममता सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं पार्थ चटर्जी। कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के बाद की गई कार्रवाई। नहीं रहे मशहूर TV सीरियल भाभी जी, घर पर हैं केमल खान। क्रिकेट खेलते खेलते हुआ TV एक्टर दीपेश भान का निधन, साथी कलाकारों ने जताया शोक। मध्य प्रदेश को मिला मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड, CM शिवराज सिंह चौहान ने दी प्रतिक्रिया, कहा अतिथि देवो भव। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किया गया सम्मानित। आपकी नई शराब नीति के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए मीनाक्षी लेखी ने शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गुटबंदी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, कहा नियमों और प्रक्रियाओं का किया गया है उल्लंघन। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का किया उद्घाटन। स्पाइस जेट करेगी दैनिक उड़ानों का संचालन। BJP सांसद मनोज तिवारी ने दी मुख्यमंत्री केजरीवाल को बहस की चुनौती। आप विधायक ने कहा, हमारी तरफ से दीपक कलाल करेंगे डिबेट। अरविंद केजरीवाल और BJP गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल के ट्वीट से हुई शुरू बहस।
रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनाने की सपा की कोशिशें शुरू। सपा विधायक के घर महादल प्रमुख केशव मौर्य आए नजर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, बोले झूठे प्रचार के सहारे सत्ता में बने रहना चाहती है सरकार, नहीं रोकना चाहती महंगाई की मार। उत्तर प्रदेश में सूखे के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी किया हमला, हाल ही में खाद्य पदार्थों को GST के दायरे में किया गया है शामिल। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।